ऑब्जेक्टिव शीट 7 जिन लोगों ने ट्राई की, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, कितनों ने ट्राई की? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में हमने ये क्वेश्चन किया नहीं और ना ही हमने इसका कोई फॉर्मूला किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्कुलर मोशन में एक रिजल्ट आएगा कि अगर कोई भी आपसे पूछे लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी वेक्टर ढूंढना है एंड क्या गिवन है आपको, ये ओमेगा है, ओमेगा वेक्टर गिवन है और आर वेक्टर गिवन है, तो ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला आने वाले चैप्टर में हम करेंगे, वी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। या प्लीज फॉर्मूला नोट कर लें, जब करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, अभी के लिए फॉर्मूला यूज करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ओमेगा वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और आपको पता ही है ये ओमेगा के कोफिशियंट्स हैं, ये आर के कोफिशियंट्स हैं, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, आंसर गूगल ड्राइव पे शेयर करूंगा, कोई बात नहीं है शीट में, ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज इसमें ये थी कि करना क्या है, इसमें क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, कंपोनेंट्स वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 में कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप निकालना है, तो ये वेक्टर गिवन है, इसका कंपोनेंट निकालना है किस पे, परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि सेकेंड वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप नहीं है, मुझे कंपोनेंट किस पे निकालना है, आई कैप प्लस जे कैप के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर पे। तो एक काम करते हैं, पहले आई कैप प्लस जे कैप का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं। अब ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल है, कैसे, आई कैप प्लस जे कैप अगर एक वेक्टर है तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जो भी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो जैसे मैंने अपने मन में सोचा कि आई कैप प्लस जे कैप के लिए मैं यहां लेता हूं आई कैप माइनस जे कैप, वो क्यों, आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, जे डॉट जे इज वन, क्या आएगा, जीरो। हाँ, यानी कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। चलो ये देखते हैं, सेकेंड स्टूडेंट ने कहा जे कैप माइनस आई कैप कर लो, कर लो, आई कैप माइनस वन, जे जे वन, हाँ तब भी आंसर जीरो। यानी कि अगर मैं आई कैप प्लस जे कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं कौन सा चूज करूं, इसके लिए आप ऑप्शन देखें, हर ऑप्शन में क्या आ रहा है, जे माइनस आई, तो ऑब्वियसली क्या लेंगे फिर, जे माइनस आई, तो सेकेंड वेक्टर क्या लेंगे, जे माइनस आई। वैसे आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्टिव से पता लग रहा है कि सेकेंड वेक्टर क्या, जे माइनस आई, क्लियर है यहां तक। तो अब पुराना क्वेश्चन हो गया, इस वेक्टर का कंपोनेंट किस पे निकालना है, जे माइनस आई, तो पता है ना ए कॉस थीटा के पीछे क्या लगेगा, बी कैप, ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट से आएगा, बी कैप इज अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है, स्टार्टिंग स्टेप क्लियर है, कैलकुलेशन घर जाके गूगल ड्राइव से देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6th क्वेश्चन आपकी शीट की प्रॉब्लम लास्ट टाइम ही की थी और एक रिजल्ट किया था कि अगर कोई गाड़ी चल रही है या स्कूटर में चला रहा हूं, मेरी स्पीड 5-5-5, फिर मैं डायरेक्शन चेंज कर ली 5-5-5, तो अगर मैं अपने व्हीकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूं तो भी बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगी, एक्सलरेशन। ये वही क्वेश्चन है कि एक कार जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 5, फिर वो कहां मुड़ गई, नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 5। मैंने सिखाया था सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं, ओरिजिन पे। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। तो कितनी देर में ये व्हीकल मुड़ा, 10 सेकंड में, क्वेश्चन गिवन है टाइम, डेल्टा भी निकालना है। अब ये ट्राइंगल आपको पता है, ये 5 है, ये 5 है, तो आप पाइथागोरस लगाओ, तो ये वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 5 स्क्वायर, डेल्टा भी आ गया, डेल्टा भी को टाइम से डिवाइड करेंगे, एक्सलेशन आ गई। ये क्वेश्चन शीट की प्रॉब्लम है, आप प्लीज अपनी बुकलेट अच्छे से रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 में देखो ये सिंपल है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इधर देखो मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है, राइट हैंड रूल, चार फिंगर ए वेक्टर से बी वेक्टर, तो डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। लेकिन अगर मैं कहूँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो सोचो एक डायरेक्शन ऊपर एक डायरेक्शन नीचे, तो एंगल इनके बीच में कितना, 180। सिंपल। तो यहाँ पर अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनके बीच में, 180। डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी, ऊपर की जगह नीचे हो जाएगी, और ऊपर और नीचे में एंगल क्या लिया जाता है, 180। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट। 12 हमने किया था लास्ट टाइम कि ये पुली है, ये u वेलोसिटी से को स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट है, v cos थीटा। तो मैंने बताया था इस रस्सी के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है, तो u और v cos थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ से v कैन बी कैलकुलेटेड, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। ये नहीं करना, 13+2 का क्वेश्चन है, क्रॉस कर दो, ये नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑप्शंस हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, ये एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और ऑब्वियसली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो एन कैप क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन, यही पूछ रहा है वो एन कैप, क्योंकि एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे।